लकी शर्मा, ट्वेल्थ में 93% और फर्स्ट सेम में 9 GPA। और ये हरकत, सॉरी सर, वो गलती से। गलती? उस लड़की के पेरेंट्स ने उसे कॉलेज छोड़वा दिया। कॉल योर पेरेंट्स। सर, आई एम रियली सॉरी सर, पर पापा को कैसे कॉल? सर मेरे गलती से हुआ है सर। सर लुक, यू आर अ गुड स्टूडेंट, इसलिए एक मौका दे रहा हूं। इधर कॉल योर पेरेंट्स, I will suspend you for a month. You are suspended. Leave. Get out. Sir, जिसने वीडियो अपलोड करी थी उसके पेरेंट्स। कॉल लगाओ सर। हेलो रॉकी, ये लो डीन सर बात करेंगे। गुड 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 मॉर्निंग सर। सर सर मेरी थोड़ी सी ना तबीयत खराब सर थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है सर। सर मैंने घर पे भी बात करी थी सर, 103 डिग्री, पापा को 103 डिग्री है सर, उनके तो मुझसे भी ज्यादा तबीयत खराब है सर। रॉकी रॉकी देख लीजिए अपनी परवरिश का नतीजा, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। सॉरी सर। इस महीने से कॉलेज मत भेजिएगा। नमस्कार सर। शंटी, कहाँ जा रहा है? देख, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, पर अब कुछ मत बोल, अब बस देख। शंटी, शंटी शंटी, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। मीरा, बस एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। लकी, दिस इज योर लाइफ, do whatever you want to, just stop calling me. Meera, may I help you, ma'am? Yes, actually if you can, because mujhse to ye ho nahi raha, kafi der se try kar rahi hu abhi. You can sure, no problem. भाई मुझे लगता है ना, मीरा तेरी जिंदगी में दादी की कमी पूरी करने के लिए। मैं सोचता हूँ रश्मि को प्रपोज कर ही दूँ। कुछ मत बोल, अब बस देख। तुम्हारी बात सुन ली। हाँ जी मैम। हाँ जी, मुझे हॉस्टल तक ड्रॉप कर देंगे आप? ओके श्योर। पढ़ाई कर रहे हो?
यार परम, तुम लोग नॉर्मल लाइफ में कैसे सरवाइव करते हो बिना लक के? मेहनत करके। फकर है भाई पे, अरे भाई पे फकर है, अरे फकर है भाई पे फकर है, अरे भाई बहुत बड़ा फकर है भाई। शंटी मेरी, ये सितारे हैं सब हमारे हैं, हम उम्मीदें हैं ये इशारे हैं, इनके संग लापता हम हैं, ओ लापता। मिस मीरा, Yes. मुझे तुमसे मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। बोलो। कहीं और चल सकते हैं प्लीज? एक लॉकेट जो लक लेकर आता है। लकी, मैं तुम्हें जब भी सही समझने की कोशिश करती हूँ तो मुझे गलत क्यों प्रूफ कर देती हूँ? तुम्हें लग रहा है कि मैं ये सब झूठ बोल रहा हूँ? मैं झूठ क्यों बोलूँगा यार? लिसन शांति, सिर्फ मेरा स्टूडेंट है, तुम्हें कहानियाँ बनाने की जरूरत नहीं। यू नो, मैं हमेशा सोचती हूँ कि क्या हम कभी वैसे बात कर पाएंगे जैसे हमने पहले दिन की थी। मीरा, आई गेस नॉट। किसी एक मैदान के हम दो छोरी हैं, एक ही वक्त के दो अलग के हिसाब से लिया करना उधार भाई। बाकी भी लौटा दो। बाकी भी लौटा देगा? लौटा नहीं देगा बेटा, हलक में हाथ डाल के निकाल दूंगा। शांति रुक अभी। हाँ जी मैम। तुमसे एक मिनट बात करनी थी। चल निकल, आता हूँ मैं, क्लास में मिलता हूँ तेरे से। चल। हाँ जी बोलिए।
तुम और लकी बेस्ट फ्रेंड्स हो ना? जी मैम। तो समझाओ ना उसे, फर्स्ट सेम का टॉपर सेकंड सेमेस्टर में बुरी तरह से फेल हो रहा है। He looks so sad. Listen, just tell him जो हो गया सो हो गया, अब अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। जी बिल्कुल समझाऊंगा। और ये अच्छा लगा जान के कि आपको अभी भी उसकी इतनी चिंता है। बिल्कुल है। लिसन, इस उम्र में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, पर उसका मतलब ये नहीं कि वो अपने करियर के साथ खेले। ऐसे उसे ईयर बैक लग जाएगा एंड देन नो कंपनी विल ऑफर हिम एनी जॉब। ही हैज टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक, समझाऊंगा बस। जस्ट वन मोर थिंग, she's really lucky to have a friend like you. Take care of each other. Thank you. चेट फर्रा किसी भी तरीके का चीटिंग मटेरियल है तो बाहर निकाल के अभी दे दो, और अगर बाद में पकड़े गए ना फिर डीन सर के पास लेके जाएंगे तुम्हें। चल फिर दिखा दे अपना जादू। एक सेकेंड, तुम्हारा रोल नंबर क्या है? वन तो वहां से स्टार्ट हो रहा है, तुम्हें वहां बैठना चाहिए ना। अरे पहले वाले टीचरों ने कुछ भी बोला हो, अब जो सर बोल रहे ना वो करो, उधर शिफ्ट हो। चलो जल्दी बैठ जाओ सारे। तुम एक ब्राइट स्टूडेंट हो, एक बार गलती हो गई। सर मेरी बात तो सुनिए सर, सेमेस्टर का एक भी एग्जाम लकी नहीं देगा। प्लीज सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तो उस तरफ बैठा था। घर में कॉल करो या लेटर भेजो, बट इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो। Thank you.
मारो गेट पे। इन्हें बैठ जाते, इन्हें लगता है इनके बाप का दिया खा रहे हैं। मैंने जो दिया है वो तो दोगे ही, और नहीं दोगे तो शैंटी हलक में हाथ डाल के निकाल देगा। अब जो बात होगी वो शैंटी की होगी, जो शैंटी बोलेगा। शैंटी साले, चलो निकलो। अबे ओ ओ, ओ। अरे इतना गुस्सा, शांत भाई शांत, आराम से। ओ अरे शैंटी हराम खोर, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी साले। मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी साले। बचपन से लेके आज तक मैं जिताऊं मैं, और वाहवाही ले जाए तू। मेहनत करूं मैं और टॉप करे तू। प्यार करूं मैं और बंदी शांत। साले शंटी, सगे भाई से ज्यादा मानता था तुझे, और एक बंदी के चक्कर में अकेले मरने के लिए छोड़ दिया मुझे। अबे काहे का भाई साले, तू सिर्फ चेला मानता था मुझे, सिर्फ चेला। तू कुंदन, मैं मुरारी, कब डिसाइड हुआ ये? एक बार भी तूने मुझसे पूछा कि शंटी भाई तुझे बुरा तो नहीं लगता? नहीं, क्योंकि तू सिर्फ अपनी सोचता है, सिर्फ अपनी। भाई शंटी सॉरी यार। भाई तुझे तो पता है यार, ये मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया है। सॉरी वॉरी कुछ नहीं, अब तो मेरा मैं शंटी पर साली भाव बहुत करती है। कोई नहीं, लॉकेट की शक्तियां दिखानी पड़ेगी। शंटी मीरा का नाम कैसे लिया तूने? ये मान जा, मीरा का नाम कैसे लिया? मीरा कैसे लिया? अब बोल बोल, अब इसी के दम पे उचक रहा था ना। अब बन नेता साले। लॉकेट के होते हुए तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता शंटी। परम, वो लॉकेट क्यों? तुम्हें लगता है कि तुम लॉकेट छीन लोगे तो उसकी सारी शक्तियां तुम्हारी हो जाएंगी? ऐसा नहीं होता। जब तक धारण करने वाला खुद अपनी मर्जी से वो लॉकेट ना त्यागे, तब तक कोई और उसके योग्य नहीं होगा। तो ऐसे फालतू झगड़े करके कुछ नहीं होने वाला। तो मैं क्या करूं यार परब? वो शंटी तूने सुना क्या बोल? अभी वृद्ध मनुष्य कौन है?
दाढ़ी काफी बढ़ा ली है। हाँ हाँ जी, कल कटवा लूंगा। बिना दाढ़ी के अच्छा लगता है। मैंने भी बचपन में रखी थी एक बार ऐसी दाढ़ी, प्यार के चक्कर में। प्यार कौन, मम्मी? नहीं, थे एक लड़के, उसके मामा का घर था हमारे गांव में, वहीं पहली बार मुलाकात हुई थी। वो भी प्यार करती थी आपसे? हाँ बिल्कुल, अच्छा दिखता था मैं। तो फिर शादी क्यों नहीं की आपने उनसे? वही ड्रामा, जात पात, घर वाले माने ही नहीं। हमने तो भागने का भी सोच लिया था। फिर उसके माँ बाप को पता चल गया और उन्होंने उसको बहुत बुरा लगा होगा ना आपको? लगा तो था, पर उस वक्त मैं कर भी क्या सकता था। कुछ दिन दुख मनाया, फिर तेरी मम्मी से मुलाकात हुई। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पे आ गई। बेटा जिंदगी में ना कई बार ऐसा लगता है कि सब बेकार हो गया, लाइफ में कोई वजह नहीं मिलती जीने के लिए। पर जिंदगी की खासियत है उसे थोड़ा वक्त दो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है और जिंदगी एक नई वजह देती है आपको। पापा एक बात पूछूं? मम्मी के जाने के बाद आपकी क्या वजह थी? तू है ना, बस मुझसे ये वजह कभी मत छीनना। पापा मेरा वो लॉकेट। बेटा एक लॉकेट तय नहीं करेगा, लॉकेट तय नहीं करेगा तेरी जिंदगी की राह, तू करेगा, तेरी मेहनत करेगी।
तो कोई समस्या होगी तो मुझे। लकी, किताब से लॉकेट के बारे में एक बहुत जरूरी बात पता चली है। ये लॉकेट यार, परम मुझे नहीं जानना यार, और तू भी ना इस किताब की दुनिया से बाहर निकल, छोड़ से, और ये किताब पकड़, पढ़ाई कर ले, एग्जाम्स आने वाले हैं। हाँ जी पापा जी, हाँ जी, हाँ नहीं वो बैक वाले तो हो गए क्लियर, हाँ सारे हो गए क्लियर, हाँ जी। नहीं अभी तो मैं और परम यहीं पे ही थे, कॉलेज में ही जाएंगे, हॉस्टल अभी खाएंगे तुम। अरे लकी भाई, शांति और रॉकी का एक्सीडेंट हो गया, शांति और रॉकी का एक्सीडेंट हो गया, शांति और रॉकी का एक्सीडेंट हो गया, शांति और रॉकी का एक्सीडेंट हो गया। शांति तू ठीक है? मुझे क्या हुआ? ये तो ठीक है, पर उनके रॉड डालनी पड़ी। रॉकी भाई, कुछ महसूस हो रहा है? रॉकी भाई, हे भगवान, रॉकी भाई आप तो कह रहे थे राठी मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। राठी, ये देखो इतनी देर में ना उठ के मेरे मुंह पे लात मार देते थे आप। और परम कैसे चले तेरी रिसर्च? कैसे जीतेंगे हम मैराथन में गोल्ड? अब लोग क्या होगा? अमर था मजा रहा। देखो यार अब कमजोरी है, पूर्ति नहीं रही वो। ये है हमारे कॉलेज के होनहार स्टूडेंट जो दारू पी करके गाड़ी चलाते हैं। आई वॉन्ट देयर पेरेंट्स इन माई ऑफिस। सर हमारे घर वाले तो ये भी आए थे, और गांव भी घना दूर से है तो थोड़ा। शट अप! रॉकी भाई गुस्सा पीना सीख लो। सही है यार, ऐसे शंटी को ज़्यादा चोट नहीं लगी, एग्जाम्स भी आने वाले हैं। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया पर शंटी अब बदल चुका है। पिछले कुछ महीनों में उसने लॉकेट की शक्तियों का खूब इस्तेमाल किया। अब उसके आसपास जो कोई भी है लॉकेट उसे नहीं छोड़ेगा। ये एक्सीडेंट उसी की शुरुआत है।
परम मतलब मीरा को भी खतरा है। भाई परम मीरा को खतरे में नहीं डाल सकते यार, कुछ कुछ करना पड़ेगा। तू बता ना ये शंटी से लॉकेट कैसे ले, कोई तरीका होगा ना? पर वो लॉकेट तुम्हें खुद अपनी मर्जी से उतार के क्यों देगा? रॉकी भाई डीन के फेयरवेल के लिए चंदा चल बैठ पो। वैसे रॉकी भाई एक बात पूछनी थी, वो रिले रेस से आपका नाम हटाना है या रखना है? रॉकी भाई आराम 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 मजाक बनाता है पौने दो टांग से कैसे दौड़ेंगे वो? ये टांग का रॉड निकाल के देंगे सामने वाले को। चुप हो जा राठी। अरे गांड मराने गया यार राठी। चुप था राठी इसलिए लेके खड़े हो लाठी। तू भाग। यो साला डीन ऐसे रिटायर नहीं हो सकता यो। माँ बाप के सामने घनी बेइज्जती करी है इसने। हुक्म करो रॉकी भाई, करना क्या है? टांगे तोड़ दो साले की। रॉकी भाई टांगे रहने देते, टांगे रहने। अरे तो क्या करूं फिर, सूखा सूखा जाने दो उसने। रॉकी भाई मुझे डीन के बारे में एक बात पता लगी है। क्या? हेलो सर। सर वो डिजिटल मार्केटिंग लैब में आपको पुरुषोत्तम सर बुला रहे हैं। पुरुषोत्तम
अच्छा कोई प्रॉब्लम है तो मैं उनको भेज देता हूँ यहाँ पे। हाँ नहीं नहीं मैं आता हूँ। ओके ठीक विदा मैं भी आ रहा हूँ। शांति मैंने बहुत सोचा एंड आई हैव रियलाइज दैट आई ओनली हैव फीलिंग्स फॉर यू। लकी के साथ जो कुछ भी हुआ इट वॉज अ बिग मिस्टेक। पता नहीं यार पता नहीं कैसे मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई एंड आई नो तुम्हें ये सब झूठ लग रहा होगा पर मैं बताता हूँ ना इस लॉकेट की वजह से। पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम कौन है? हेलो किसने बंद किया ये दरवाजा? बोलो इसे। खोल देंगे पहले अपने और पुरुषोत्तम के किस्से तो सुनाओ। पुरुषोत्तम नहीं परशु। तुम जो कोई भी हो बंद करो ये मजाक अदरवाइज आई विल फिनिश यू। फिनिश से याद आया आप पहले फिनिश करते हो या परशु? शट अप बंद करो पहले का बंद करो। शट अप शट अप फीड ऑन कर कॉपी। तुम लोग कभी नहीं समझोगे और पुरुषोत्तम का रिश्ता। अरे प्यार करते हैं हम दोनों एक दूसरे से और गॉड से इस चीज का मजाक उड़ाना बंद करो। तुम जैसे ऊंचे लोगों की वजह से ही हम लोगों को इस तरह से रहना पड़ता है। हमेशा ये डर लगा रहता है कि लकी के साथ जो कुछ भी अच्छा होता ना वो बस इसी लॉकेट की वजह से होता है। ये लॉकेट उसकी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो सब इस लॉकेट की वजह से होता है। और जो तुम बहकी थी ना वो भी इसी लॉकेट की वजह से बहकी होगी। पर शंटी कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे अंदर तुम्हें लेके जो फीलिंग्स आ रही हैं वो भी इस लॉकेट की वजह से आ रही हो? नहीं नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हमारा प्यार तो सच्चा है ना और अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए ना तो तुम्हें लग रहा है ना सब इस लॉकेट की वजह से हो रहा है। लो ये मैं अभी फेंक देता हूँ मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं तो जब से तुम्हें देखा था ना मैं उसी दिन से तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना प्यार करते हो? मैं बहुत प्यार करता हूँ। इतने दिनों से ना मुझे रोज लगता था कि तुम वापस आओगी और देखो तुम वापस आ गई और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ रश्मि और अब देखो तुम भी मुझसे प्यार करती हो। दरवाजा खोलो। कब ये बात समाज में पता चल जाएगी और तुम जैसे लोग हमारा पुरुषोत्तम मेरी गलती नहीं है वो कुछ बच्चों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। लकी मीरा नहीं आई कांट बिलीव दिस तुम इतना नीचे गिर सकते हो। मीरा तुम गलत समझ रही हो मैं तो जस्ट अभी अभी आया। आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं किया। यू रूइंड एवरीथिंग यू जस्ट सुनो He's my father, Lucky.
And you just... Meera, man. परम ने दिया और बोला लक्की को पकड़ा देना। प्रिया लक्की, मैं जा रहा हूं। मैंने तुमसे झूठ कहा। मुझे अब उस लॉकेट की मेरी जिंदगी में वापस कोई जरूरत नहीं। गुरुजी अभी भी जिंदा हैं और वो चाहें या ना चाहें, पर यह लॉकेट उन्हें जीवन दान दे सकता है। मुझे माफ करना, तुम्हारा प्रिय मित्र परमेश्वर। सॉलिड ड्रामे बाद कैसी लगी मेरी एक्टिंग? जा जाके बता दे उसे, इस जन्म में तो ये लॉकेट उसे मिलने वाला नहीं है। और वो जो फेंका है ना, ऐसे मार्केट में 10 के 3 मिलते हैं। जा। लॉकेट अभी भी शंटी के ही पास है। सॉरी लकी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई। Why do you think you will be a good fit for our company? Ma'am, because I'm hardworking, passionate about my work, and I think I'll be a great asset to your company. Lucky, your spirit and resume looks very interesting, but we have heard that you were not very socially responsible in your college years. That incident with your dean actually became very popular. No worries, we'll get back to you. You're a good talent. Give us some time, we'll get back to you. उसने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी और अब मेरी बारी है। मेक श्योर कि उसे कहीं पर भी प्लेसमेंट ना मिले, ना कैंपस के अंदर और ना ही कैंपस के बाहर। But give us some time, we'll get back to you. Not very socially responsible in your college years. Give us some time, we'll get back to you. No worries, we'll get back to you. बिखरे दिल की धड़कन फिर से जुड़ती क्यों नहीं? किस्मत की गाड़ी मुड़ती क्यों नहीं? हर एक बाजी जीत के दुनिया बसाई थी, एक बाजी हारा मिट्टी हो गई। बंजर बंजर जिंदगी के सारे मंजर,
बंजर सीन में अब गढ़े हैं खंजर बंजर बंजर जानू ना किस बात का है बंजर बंजर सीन में अब गढ़े हैं खंजर So yes, I do feel that hard work is greater than luck. Sir, ऐसी सिचुएशन के बाद आपने लाइफ में बाउंस बैक कैसे किया? पापा ने एक बात कही थी बस वो याद रह गई. उन्होंने कहा था कि बेटा एक लॉकेट तेरी किस्मत तय नहीं करेगा, तू खुद करेगा. सर शंटी का क्या हुआ और मीरा और परम का क्या हुआ? से दोबारा कभी बात ही नहीं हुई. सर एक लास्ट क्वेश्चन. वैसे ये बुक आपकी रियल लाइफ पर आधारित है पर फिर भी आपने इसे फिक्शन की कैटेगरी में डाला है, तो क्या इसका कोई पार्ट इमेजिनरी भी है, जैसे कोई जगह, कोई इवेंट या फिर किसी का नाम? किसी समझदार इंसान ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, और ये सच झूठ फिक्शन नॉन फिक्शन इस सब में मत पढ़ो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एक कहानी है. तो कहानी को कहानी की तरह लो, और अगर इससे कोई मोटिवेशन मिले तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ो. लकी की तो चांदी हो गई है भाई, बेस्ट सेलर बन गई है बुक, और सुना है इस पर मूवी भी बनने वाली है. सच में मूवी बनने वाली है? हाँ भाई, अंदर पैसा छाप लिया है इसने. वैसे तुझे क्या लगता है ये कहानी सच है या झूठ? ये तो लक्की को ही बताओगा. लेकिन भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ, अगर सच में ऐसा कोई बंदा है शंटी नाम का, वो तो अपनी लाइफ में क्या ही मजा ले रहा होगा यार. मैं कह रहा हूँ ना सर आपको, एक हफ्ते में ये स्टॉक छप्पर फाड़ेगा. फिर भी चिंता तो होती है ना शंटी भाई. अरे चिंता मत करो धनंजय जी, शंटी किस्मत कभी धोखा नहीं देती. लक्की तू यहाँ कैसे? तू रुक, मैं एम्बुलेंस बुला तो रुक एक एक. हेलो हेलो भैया, ये गुड़गांव आवली पे एक्सीडेंट हो गया है,
एक एम्बुलेंस भेज दो। आंटी अरे 30 मिनट नहीं है यार, बहुत क्रिटिकल है, जल्दी। हाँ भाई अभी तक एम्बुलेंस आ रही, अभी आ जाएगी एम्बुलेंस। मेरी बात सुन, मैंने तुझे हमेशा दोस्त माना है, भाई माना है, मैंने कभी कोई जानबूझ के गलत काम नहीं किया तेरे साथ। पागल हो क्या? सॉरी सॉरी भाई। शांत हो जा, अभी अभी शांत हो जा, बिल्कुल अभी आ रही है एम्बुलेंस। लकी भाई देख आ गई, देख आ गई एम्बुलेंस आ गई। लकी ओए उठना साले, उठना लकी। मेरा भाई ठीक हो तो ठीक हो गया, खड़ा हो जा। तो ठीक है भाई, ठीक है तू ठीक हो गया, सही है ना तू? ठीक है तू? अब ठीक हूँ। वो लॉकेट तुम्हें खुद अपनी मर्जी से उतार के क्यों देगा? गलती कर दी, बुरा मत मान शंटी, ये मेरा ही तो था, ये मैंने ही तो तुझे दिया था। तुझे उस दिन कॉलेज में ही मार देना चाहिए था, पर कोई नहीं, उस दिन की गलती आज सुधार देता हूं, तेरी कहानी आज ही खत्म कर देता हूं। शंटी शंटी कर, शंटी मत कर, शंटी मत कर। सारे लक्की आज तेरी कहानी खत्म, मत कर शंटी, सब खराब हो जाएगा।
शंटी। सर, आपकी ये किताब हमने भी पढ़ी हिंदी में। एकदम सही बात बोले आप, ये किस्मत बिस्मत कुछ नहीं होती है, जो होता है आदमी की मेहनत होती है। देखना सर, हम भी बहुत मेहनत करेंगे और एक दिन आप ही की तरह बड़े आदमी बन जाएंगे। एपिसोड 1 और एपिसोड 2 वैसे तो दोनों ट्रेंडिंग पे आ गए पर वेंचर व्यूज। ओ हे गाइस, What is up? ये था हमारा वेब शो लकी गाय, हमारा चौथा वेब शो। जब से हमने यूट्यूब की ये जर्नी स्टार्ट की है, सबसे पहले हमने बनाया मेरी आईआईटी वाली गर्लफ्रेंड, उसके बाद हमने बनाया लॉकडाउन विद माय क्रश, फिर हमने बनाया ट्रस्ट इश्यूज, तो ये था हमारा चौथा वेब शो। इसमें हमारे 4 गुना पैसे लगे। अगर आपको पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, और IMDB का एक लिंक है जो कमेंट में सबसे ऊपर मैं पिन कर दूंगा, वहां जाके वोट जरूर करना अगर आपको पसंद आया, ताकि उस पे भी लोगों को पता चले कि हाँ भाई, यूट्यूबर्स भी बहुत सही वेब शोज बनाने लग गए हैं। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और भी जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां के, जहां पे भी आप और एक्टिव हो यूट्यूब के अलावा, वहां के भी मैं लिंक और यूजर नेम्स वगैरह डाल दूंगा, आके आप वहां पे फॉलो कर लो, क्योंकि अभी हमने वर्टिकल कॉन्टेंट भी बनाना शुरू कर दिया। जो हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उसे पता है ये बात। और अगर लकी गाय का season 2 चाहिए तो कमेंट में एक बार लिखो, देखते हैं कितने कमेंट होते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि लकी गाय का season 2 लेके आओ, फिर उस हिसाब से जल्दी season 2 भी बनाते हैं, क्योंकि अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्त।